नमस्ते किशन भाइयों, रकीब एप्पल बेयर नर्सरी से स्वागत है। ये दोस्तों, आज ये जो प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं, एक ग्राफ्टिन है। और ग्राफ्टिन प्लांट कौन सा वैरायटी है और किस तरह से हम लोग ग्राफ्टिन करते हैं, वो हम आपको वो दिखाएंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। और इसका लगभग वजन कितना होता है, मार्केट वैल्यू क्या है, इसका अंदर सफ़ेद होता है या पिंक होता है इसके बारे में, और कितना अंदर इसका अंदर बीज होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मीठा कैसा है, ये स्थाई सेवन गोवा प्लांट है, किसी को इसको अमरूद भी बोलता है। तो खैर, आज हम वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लांट आप देख सकते कितना अच्छा सुंदर प्लांट है। तो वह लगभग इसका हाइट 1 फीट का आसपास है, कुछ प्लांट 1.5 फीट का भी ऐसा ही है। तो इसमें फ्लोरिंग आना भी शुरू हो गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये छोटा में ही फ्रूटिंग लगता है। जैसे हमने ये पौधा आपको सैंपल की तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये एक छोटा सा प्लांट है, इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक छोटा सा प्लांट है। आप देख सकते, ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, 4 से 5 इंची आपका लगभग होगा। और इसका साइड ग्राफ्टिन है, देख लीजिए, मैं ग्राफ्टिन भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से, इसको साइड से ग्राफ्टिन की गई है, देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा में गौर से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से पहचान लेंगे। देख लीजिए, ये साइड ग्राफ्टिन है, ठीक है। और मैं थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ, इसमें कोई डुप्लीसिटी होने का चांस ही नहीं है, ऑथेंटिक प्लांट, ओरिजिनल टू ओरिजिनल प्लांट होगा। देख लीजिए, ये ग्राफ्टिन है। और मैं कैमरा को बहुत अच्छी तरह से आपको फोकस करके, ताकि आप लोग पूरा जो चीज़ है सही दिखाए, ठीक है। तो यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, जैसा ये प्लांट 4 से 5 इंची है, आप एक खेत में लगाने के जो है 3 महीने के अंदर इसमें फ्लोरिंग आना शुरू हो जाएगा, इसमें से 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, ऐसे बहुत फार्मर जो लोग हैं वो लोग पूछते हैं जो कितने साल के अंदर फ्लोरिंग होता है, बट ये जो है 6 महीने के अंदर इसमें फ्लोरिंग आता है। और इसमें उसको क्या होता है, तोड़ देना पड़ता है। जैसे लगाने का 2 महीने के अंदर भी उसमें फ्लोरिंग आ, जैसे खाद वगैरह डाल के आप अच्छी तरह से दे देंगे, तो जैसे ही नया ब्रांच आना शुरू हो जाएगा तो इसमें से जो है फ्लोरिंग आना शुरू हो जाता है। जैसे सैंपल की तरफ से मैं और एक प्लांट आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये वाला भी है, अब एक ही साथ ग्राफ्टिन की गई थी, देख लीजिए, ये है ये प्लांट। देखिए, इसमें फ्लोरिंग आना शुरू हो गया है, ठीक है। और इसमें अभी फ्लोरिंग नहीं है क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। तो ऐसा है, इसको आपको तोड़ देना पड़ेगा, इसको तोड़ देना पड़ेगा। और जैसा ही इसमें से अगर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर आपको इसका जो ब्रांच बढ़ाना होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से जो मैं आपको वार से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए, देख लीजिए, यहाँ से आपको काट करके देना है, यहाँ से ये जो हमने कटिंग की गई है, तो फिर यहाँ से 2-3 ब्रांच आपको निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे हालांकि आप भी कटिंग करना नहीं पड़ेगा, जैसे इतना छोटा अगर प्लांट आपको रहेगा, मिनिमम आपको 2 से 2.5 महीने के बाद जो है उसमें आपको कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, और खाद वगैरह डाल के आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे प्लांट आप करिए, आपको 100% और फ्रूटिंग आपको लेना है 7 महीने के बाद जो है इसमें से फ्लोरिंग, आपको इतना फ्लोरिंग आता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लोरिंग आता है। तो आपको सबसे पहले उस फ्लोरिंग को जो है, अगर 70% फ्लोरिंग आता है एक प्लांट में है, तो 35% आपको तोड़ देना पड़ेगा, बाकी 35% आपको लेना है, ठीक है। जैसे ये और एक मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी देख लीजिए, 2 कलियाँ इसमें आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या करना है, इसको इसे एक को तोड़ देना पड़ेगा, जैसे मैंने एक तोड़ दिया है, हालांकि ऐसे करके आपको भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक जैसे आपको 7 महीने ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, इसीलिए 2 फ्रूट अगर लेंगे तो पौधा और भी ग्रोथ नहीं करेगा, इसीलिए आपको एक फ्रूट रखना है, ठीक है, एक ही फ्लोरिंग रखना है, तो कि ये बड़ा होगा। तो ऐसे ही करके आपको 2-3 सभी कोलियों में फ्लोरिंग आता है, बट
सबको निकलना पड़ेगा, एक दो करके ऐसे निकलना पड़ेगा। देखिए हालांकि सभी वैरायटी प्लांट के ऊपर देख लीजिए, ये फ्लोरिंग आ चुका है। यहाँ पर भी देख लीजिए, हमने कटिंग किया था, देख लीजिए यहाँ से एक निकलना शुरू हो गया ऑलरेडी ब्रांच। ये जो ब्रांच आ रहा है इसमें और 2-3 इंच होगा तो इसमें भी आपको फ्लोरिंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लांट आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और ये थाई सेवन है, ये आपका 300 ग्राम से 600 के आसपास ओजन होता है, लगभग इसका ओजन होता है। और इसका कोई इसको कवर यूज़ करता है ताकि जो है कवर यूज़ करने से क्या होता है, उसका शाइनिंग जो होता है ऊपर की तरफ जो शाइनिंग होता है और वो बहुत ही अच्छा ग्लेज होता है। हालांकि आप वीडियो के ऊपर एक अमरूद का दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ये इस तरह से आपको इसका ग्लेजिंग आता है, ठीक है। कोई खा मतलब कीड़े फीड़े चांस लगने का कोई चांस ही नहीं रहता है, बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसमें भी बहुत फार्मर लोग जो है, जो लोग फार्मिंग करता है वो लोग बहुत ये लगाया है, उन्होंने बहुत सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि हालांकि बहुत मीठा होता है और इसके अंदर बीज होता है बट ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्लांट हमारे पास अवेलेबल आपको हो जाएगा। ये प्लांट लेने के लिए हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के ऊपर हमारा नंबर रहेगा, उस नंबर से लेके हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बैंडेज कब निकलना है, कौन सा खाद देना है और क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसको ऊपर, तो ऐसे जानकारी के लिए हमारा साथ आप कांटेक्ट करें। हमारा वीडियो के ऊपर हमारा नंबर रहेगा, उस नंबर लेके हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय किसान।